नमस्कार, शाखा 9 न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के पालघर जिले के वलिव क्षेत्र में सड़क किनारे एक सूटकेस में किशोरी का शव मिलने के एक सप्ताह बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के बारे में एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को जानकारी दी। गौरतलब है कि नैगांव में 26 अगस्त को झाड़ियों में एक सूटकेस लावारिस पाया गया था, जिसे खोलने पर कंबल में लिपटा हुआ एक लड़की का शव मिला था। महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की गई जांच में सामने आया कि वह शव मुंबई के अंधेरी की रहने वाली 14 वर्षीय एक लड़की का था, जिसके शरीर पर धारदार हथियार से किए गए हमलों के कई निशान पाए गए थे। बता दें कि लड़की स्कूल से निकलने के बाद 25 अगस्त को लापता हो गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच में लड़की की हत्या में दो व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आई। इसके बाद मीरा भायंदर बसई विरार पुलिस ने 21 साल के आसपास की उम्र वाले दो संदिग्धों की तस्वीर जारी की थी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि दोनों आरोपियों को शुक्रवार रात को गुजरात के पालनपुर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि फिलहाल हत्या के पीछे का उद्देश्य अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन मामले की जाँच चल रही है और हत्या का कारण जल्द ही सामने आ जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। आगे और जानकारी के लिए शाखा 9 न्यूज के वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।